आज लाखों करोड़ रुपया की ट्रांसफर हर एक महीने विभिन्न स्कीमों में होती है। जब ये अप्रेंटिसशिप की बात तो हमारे सामने आई, मैंने आग्रह रखा था क्या ये डीबीटी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मैं अतुल जी को, उनकी पूरा टीम को बहुत बधाई देता हूं, उन्होंने आज खुद तो किया ही, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो भारत सरकार की पैसा है, बैंक तो भारत सरकार की है, बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करके उनको पहुंचा देना बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो इसीलिए बधाई के पात्र हैं, उन्होंने इंडस्ट्री को भी मनवा लिया। इंडस्ट्री की जो हिस्सा है, जिसकी जो हिस्सा है उसको पहले वो डाले, फिर सिग्नल आने के बाद दिल्ली अपने हिस्से की पैसा डाले, 1,500 रुपया हो सकता है, 1,000 रुपया भी हो सकता है। टोटल उस अप्रेंटिसशिप में इंडस्ट्री जितना चाहेगा पेमेंट देने के लिए, स्टाइपेंड देने, पेमेंट तो नहीं कहा जाए, स्टाइपेंड देने के लिए, उस स्टाइपेंड की जितना अमाउंट होगा इसकी 25% नहीं तो मैक्सिमम कैपे विथ 1500। आज उसकी 1,00,000 अप्रेंटिसशिप ट्रेनीज को एक स्विच दबा के हमने डीबीटी करवाया। ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा, इसलिए मैं अतुल जी और उनकी टीम को और पूरा इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। मुझे इंडस्ट्री के मन में एक सही शंका थी, और आज जो यहां स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो स्टूडेंट मेरे बातों को डिफरेंट जगह में बैठ के सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, यह आपका एक पढ़ाई और कमाई दोनों की एक पायलट मॉडल है, ये नौकरी नहीं। एक स्विच दबा के हमने डीबीटी करवाया, ये आने वाले 24 घंटे के अंदर ये पहुंच जाएगा, इसलिए मैं अतुल जी और उनकी टीम को और पूरा इंडस्ट्री को बधाई देता हूं। मित्रों, इंडस्ट्री के मन में एक सही शंका थी, और आज जो यहां स्टूडेंट्स बैठे हैं और जो स्टूडेंट मेरे बातों को डिफरेंट जगह में बैठ के सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कह रहा हूं, यह आपका एक पढ़ाई और कमाई दोनों की एक पायलट मॉडल है, ये नौकरी नहीं है। अप्रेंटिसशिप के कारण इंडस्ट्री को कोई बाध्यता नहीं है उनको अपने वहां स्थायी रूप में नौकरी रखने के लिए, मैं उसको क्लैरिफाई करता हूं। भारत सरकार उसकी एक्ट को बदला, अप्रेंटिसशिप एक्ट को बदल के पहला सरलीकरण किया, कोई बाध्यता नहीं अप्रेंटिसशिप को नौकरी में कन्वर्ट करना, क्योंकि उसके कारण कोई अप्रेंटिसशिप में, पहले भी अप्रेंटिसशिप एक्ट था, अप्रेंटिसशिप के लिए एक दुनिया बनी थी, लेकिन कोई डर के मारे उसमें हाथ नहीं लगा रहा था, क्योंकि उसको लेने से फिर वो यूनियन शुरू हो जाएगी। आज भी जगह जगह पे नौजवान अपने हुनर से ज्यादा, कुछ जगह पे सब नहीं, अब तो हमने देखा बिहार का शोभम कुमार 12वीं पास करके 2 साल L&T तक पहुंच के काम कर रहा है, कुछ स्टाइपेंड मिल रहा है, वो कह रहा है कि मेरे को ठीक से स्टाइपेंड मिल रहा है और कॉन्फिडेंट है, लेकिन उसको अभी डिग्री क्या मिलेगा, उसकी कॉम्पिटेंसी इक्विवेलेंसी क्या क्या जाएगा। मैंने अभी जो अतुल जी और कलजी जी को कहा कि भाई 2 साल बच्चा ने समय लगाया तो उसको 12वीं तो पास किया है, वो डिप्लोमा भी वो दे सकते हैं, क्यों 10th के प्लस 3 साल पढ़ने में वो डिप्लोमा हो जाता है, ये 10th के प्लस बाद 11th 12th पढ़ा, फिर 2 साल की ये अप्रेंटिसशिप की काम करेगा, अभी नया व्यवस्था में उसको कैसे हम कॉम्पिटेंसी लेवल को बढ़ाए और उसको डिग्री में या उसको डिप्लोमा में कैसे कन्वर्ट करें। मेरे ख्याल से राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ये सभी विषयों में रास्ता हमको दिखाया है, मेरा पूरा विश्वास है 2 साल वाले व्यवस्था को भी आप कैसे उसको अकोमोडेट करोगे आप देखोगे।